बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास। आई कंग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू दैट यू आर प्रमोटेड टू क्लास 5। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ बाय ऑल योर बुक्स एंड कॉपीज ऑफ क्लास 5 फ्रॉम द स्कूल बुक शॉप। फिर आपने जब कॉपीज़ लेके आते हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट योर नेम, then your class and then your section and then your campus that is Versak। और आपने क्या करना है, यहाँ पे इधर एक लाइन ड्रॉ करनी है और वहाँ पे लिखना है सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर एंड ग्रामर। ये आपने लिखना है परमानेंट मार्कर से और उसके साथ सेशन 2021-22। ये आप जब परमानेंट मार्कर से लिखेंगे कोशिश करें कि ये इसमें ये साफ तरीके से लिखा जाए और उसके बाद आपने कॉपीज़ को कवर कर देना है। अब ये आपको हमेशा इंग्लिश ए और बी की 2 कॉपीज़ मिलती हैं, इस टाइम पे भी आपको इसी तरह है लिटरेचर की और ग्रामर की, लेकिन आपने एक ही कॉपी में दोनों काम करनी है। जैसे अभी लिटरेचर और ग्रामर का ये है तो आपने इतना पोर्शन तकरीबन आप जो है ज़्यादातर पोर्शन यानी ऑलमोस्ट 75% जो है वो आप इसके लिए लिटरेचर के लिए रख लें और बाकी थोड़ा सा जो है मतलब 25% ऑलमोस्ट जो है वो आप ग्रामर पोर्शन के लिए रख लें। ठीक है, ये आपने एक ही कॉपी में दोनों काम करने होंगे। और आपकी जो इस तरह की दूसरी कॉपी होती है वो किस लिए है, वो आप होमवर्क के लिए यूज़ करेंगे। उसमें भी आपने इधर नेम लिखना है, क्लास सेक्शन वर्सक कैंपस वर्सक सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर, और उस कॉपी में आपने साथ में इधर होमवर्क कॉपी लिख देना है। अभी आपकी होमवर्क की कॉपी, अब इस तरह आपके पास इंग्लिश की 2 कॉपीज हो गई, एक आप गई हो गई आपकी क्लास वर्क कॉपी और एक हो गई आपकी होमवर्क कॉपी, और दोनों में आपने क्या करना है लिटरेचर और ग्रामर इस तरह लिखना है और पोर्शन में हम काम करेंगे अपनी बुक का और ग्रामर का। ठीक है, ये हो गया। अब आप जब ये कर लेंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, यू हैव टू ओपन योर कॉपी। फर्स्ट पे सबसे पहले आपने इंडेक्स लिखना है, जैसे टुडेज इंडेक्स इज 14/4/21, दिस इज द डेट ऑफ टुडे, एंड यू हैव टू राइट सिलेबस एंड ब्रैकेट में लिखना है फर्स्ट टर्म, यानी आज हमने क्या करना है अपनी कॉपी में फर्स्ट टर्म सिलेबस हम राइट करेंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, नेक्स्ट पेज पे फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट अगेन द डेट, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ऑफ योर स्कूल, Wednesday, April 14, 2021, this is today's date and you have to write classwork, then you write ICMS Versak campus, you have to double underline it, then you write class 5, double underline it, subject English literature, double underline it, first term syllabus। अब first term syllabus जो है ये आपकी जो English की book है ये वाली, इसमें से हमने contents को आपके लिए फर्स्ट टर्म के लिए ये जो है सारा आपने इसमें ये टॉपिक्स जो हैं वो इंक्लूड हैं, तो ये यहाँ से यहाँ तक इन टॉपिक्स के नाम आपने जो है अब इधर लिख लेने हैं। कौन कौन से हैं, फर्स्ट वन इज द वर्ल्ड इन अ वॉल, नंबर 2 स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, थर्ड वन इज डज ही रिमेंबर, फोर्थ वन इज दिस मॉर्निंग इज अवर हिस्ट्री टेस्ट, देन फिफ्थ वन इज रॉबिन्सन क्रूज, सिक्स्थ वन इज सोर ग्रेप्स एंड सेवन्थ वन इज कॉम्प्रिहेंशन। अब ये सारा आपने इसी तरह नीट एंड क्लीन अपनी कॉपीज में लिखना है। ये आपका सारा सिलेबस है लिटरेचर का फर्स्ट टर्म का आपका, और इसके बाद आपने साथ में यहाँ मार्जिन लाइन ज़रूर ड्रॉ करनी है और एंड में आपने एंड लाइन ड्रॉ करनी है। इसी तरह आपने डेट नीट एंड क्लीन ये काम जो है प्रॉपर तरीके से करना है। इंशाल्लाह ये आपका वेनसडे को कॉपीज आपकी चेक हुआ करेंगी और इस तरह से आपका काम जो है वो मेंटेन रहेगा। आई होप आपको इसकी सारी समझ आ गई है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।